सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, शिक्षा मंत्री महोदय ने हाल ही में बयान दिया था कि कक्षा 10 और 12 के परीक्षा परिणाम में अध्यापकों का योगदान नहीं है। उन्होंने पूरा श्रेय शिक्षा निदेशक श्री सौरभ स्वामी को दिया था। इसके क्या मायने हो सकते हैं? साथियों, एक तरह से ये कॉमेडी वीडियो है, लेकिन इसमें हमने गहन अवलोकन कर कुछ तथ्य प्रस्तुत किए हैं। आप जरूर देखें और प्रत्येक शिक्षक के पास शेयर करें। साथियों, हमने इसके 3 कारण खोजे हैं। अगर आपके मन में कोई और कारण हो तो कमेंट में जरूर लिखें। इस पर और भी वीडियो बनाया जा सकता है। नंबर 1 जो कारण की हमने खोज की है वह है कि शिक्षा मंत्री महोदय शायद 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा के बारे में बोलना चाहते थे। दूसरा जो कारण है वह शिक्षा मंत्री महोदय का पक्ष और भी मजबूत करता है। पिछली बार गत सत्र में कक्षा 9 में सभी विद्यार्थी प्रमोट हुए थे, जिसमें कमजोर विद्यार्थी भी थे। शिक्षा मंत्री महोदय हो सकता है ये सोच रहे हों कि अगर कमजोर विद्यार्थी इस बार पास होते हैं 10वीं कक्षा में तो यह श्रेय उनको ही मिलना चाहिए, निदेशक महोदय तथा शिक्षा मंत्री महोदय को। कारण यह भी हो सकता है कि शिक्षा मंत्री एक भविष्यवाणी कर रहे हों शिक्षा के बारे में, क्योंकि वो प्रदेश के शिक्षा मंत्री हों और हो सकता है कि उनकी योजना हो कि कक्षा 10 के सभी छात्रों को प्रमोट कर दिया जाएगा, तो पूरा का पूरा श्रेय शिक्षा मंत्री महोदय और निदेशक महोदय को जाएगा, क्योंकि इसमें शिक्षकों का योगदान नहीं होगा।